गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी हैव फिनिश अवर चैप्टर 18 एक्सप्लेनेशन वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. सो वी फिनिश अवर एक्सरसाइज ऑल्सो टुडे. आज हम लोग हमारे एक्सरसाइज भी आज ही फिनिश करेंगे और चैप्टर 18 फिनिश कर देंगे. सो लेट्स बिगिन विथ अवर चैप्टर 18 हार्ड वर्ड्स. हम लोग पहले हार्ड वर्ड्स करेंगे. हार्ड वर्ड्स आप लोगों को देख कर इसमें से लिख लेने हैं. देन क्वेश्चन ए MCQs. द वाटर पार्क हैड मैनी डैश. आप वाटर पार्क में क्या होते हैं? टॉल वाटर स्लाइड्स, हाँ होती है. वाटर हॉसेस, बड़े बड़े पानी के पाइप भी होते हैं. सी वाटर फाउंटेन, हाँ वाटर के फुव्वारे भी होते हैं. इसलिए डी ऑल ऑफ दीज आप लोग टिक करोगे. नंबर टू, देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क इन. बिग वाटर पार्क कहाँ पर है? नॉर्थ गुजरात में. तो आप लोग ए नॉर्थ गुजरात को टिक करोगे, क्योंकि नियर सचिन्स हाउस नहीं था, नियर कृपाल्स हाउस नहीं था, नन ऑफ दीज भी नहीं था. इसलिए ए नॉर्थ गुजरात को आप टिक करोगे. देन नंबर थ्री, टू क्लीन द वाटर वी शुड डैश इट. पानी को साफ करने के लिए हमें क्या करना है? उसे बॉइल करना है. नंबर फोर, वी शुड क्लीन द रेगुलरली. हमें क्या क्लीन करना है रेगुलरली? ड्रिंकिंग पॉट को क्लीन करना है. यस पानी का जो मटका होता है उसे रोज साफ करना है. उसके बाद लैडल एंड ग्लास, जो उसका ढक्कन है, वो ग्लास है, उन्हें भी साफ करना होता है. यस प्लेसेस नियर ड्रिंकिंग वाटर, जो आसपास की जगह है जहाँ हम ड्रिंकिंग वाटर का मटका बिटका रख रहे हैं, वो भी साफ करनी है. इसलिए यहाँ पर हमने अगेन ऑल ऑफ दीज को टिक करना है कि सब जगह हमें ये रोज रेगुलरली क्लीन करनी है. देन क्वेश्चन बी, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट नंबर, द वाटर इन कृपाल्स हाउस इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, कृपाल्स के हाउस के घर पे गेस्ट आए थे तो जो उन्होंने पानी दिया था वो कैसा था? एकदम डर्टी. इसलिए वो अच्छा नहीं था, इसलिए ट्रू. नंबर टू, अंजू वॉज वरीड वैन शी रीड्स द न्यूज़पेपर. जब अंजू मैडम के घर पे स्मिथ गया था तो अंजू मैडम ने न्यूज़पेपर रीड किया तो उसमें लिखा हुआ था कि जो पानी पीने का पानी है वो गटर पाइपलाइन के साथ मिक्स हो गया. तो ये पढ़कर वो एकदम वरीड हो गई थी, इसलिए ये भी ट्रू है. नंबर थ्री, वी शुड नॉट टेक एनी फूड व्हेन वी हैव डायरिया. ये है फॉल्स. अगर हमें डायरिया यानी लूज मोशन हो रहा है गंदा पानी पीने की वजह से या कुछ खाने की वजह से, तो हमें बिल्कुल खाना बंद कर देना है. नहीं, हमें लाइट हल्का खोराक लेना है, बिल्कुल खाना बंद करना नहीं, इसलिए ये फॉल्स लिखना है. नंबर फोर, द वाटर पार्क हैड नो वाटर्स टू प्ले. यहाँ पर लिखा है कि वाटर पार्क में पानी नहीं होता है खेलने के लिए. फॉल्स, वाटर पार्क में पानी तो बहुत सारा था खेलने के लिए. क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स. इफ वी ड्रिंक डर्टी वाटर वी मे फॉल सिक ऑफ डायरिया वॉमिटिंग एक्सेट्रा. हम कैसा पानी पियेंगे? डर्टी. डर्टी वाटर पीने से हम बीमार हो जाएंगे, हमें डायरिया वॉमिटिंग हो सकती है. नंबर टू, द विलेज नियर टू द वाटर पार्क हैड डैश. जो विलेज था वाटर पार्क के पास, वहाँ पर क्या नहीं था? नो वाटर, पानी बिल्कुल नहीं था. नंबर थ्री, वी कैन क्लीन वाटर बाय एडिंग डैश टू इट. पानी को हम क्लीन करने के लिए एलम, फिटकरी और ये सब चीज़ें अंदर डालकर उसे बॉयल कर कर भी साफ कर सकते हैं. ये है एलम. देन नंबर फोर, When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of dash from our body. हमारे शरीर का गैर जाता है जब लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होता है, तो हमारे शरीर का सारा पानी कम होने लगता है. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे water from our body get loss, यानी हमारा पानी पूरा खत्म होने लगता है. Then question number D, answer the following question. Why was Smith happy? Smith happy क्यों था? अंजू मैडम के घर पे जब स्मिथ ने सुना था ना, यस क्या सुना था? स्मिथ वॉज हैप्पी टू नो दैट ही डिडंट हैव टू स्टैंड इन क्यू टूडे टू गेट वाटर. ये कि अंजू मैम ने बोला कि पीने का पानी मेरे घर से ही तुम भी लेकर जाना, तो ये सुनकर स्मिथ हैप्पी हो गया, क्योंकि आज उसको क्यू में पानी के लिए लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, और पानी तो अंजू मैम दे ही रही है, इसलिए ये सुनकर वो हैप्पी हो गया. नंबर टू, What was the reason for the villagers outside the water park making a noise? जो water park के बाहर जो villagers खड़े थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उसका क्या कारण था, वो क्यों चिल्ला रहे थे? There was so much water in the water park, but there was no water in the village even to drink. वो क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि
वाटर पार्क में बहुत सारा पानी था और विलेज में बिल्कुल पानी नहीं था ताकि वो पानी भी पी सके। वाटर पार्क में इतना पानी है खेलने के लिए और गांव के लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं है, इसलिए वो चिल्ला रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे डिड अंजू प्लान टू क्लीन द वाटर। अंजू मैम ने पढ़ा कि भाई पानी गंदा आने वाला है, तो उन्होंने किस तरह से उस पानी को साफ किया। अंजू प्लान टू मेक वाटर क्लीन बाय बॉइलिंग इट। उन्होंने पानी को उबाल कर उसे साफ करने का प्लान बनाया। यहाँ पर हमारा चैप्टर 18 की एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।